नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल बॉलीवुड पैसेंजर में। तो आज हम बात करेंगे कंगना रनौत की फिल्म तेजस के बारे में, जिसकी एक नई अपडेट सामने आई है। जी हां दोस्तों, कंगना रनौत की फिल्म तेजस का बहुत बुरा हाल है। फिल्म के लिए बॉक्स ऑफिस पर सर्वाइवल करना मुश्किल हो रहा है। इसने 5 दिनों में सिर्फ 4.5 करोड़ रुपये का कलेक्शन ही कर पाई है। मंगलवार को फिल्म ने 35 लाख रुपये का कलेक्शन किया। जी हां दोस्तों, कंगना जैसी बड़े कद की एक्ट्रेस के लिए आंकड़े काफी निराशदायक है। कंगना ने सोशल मीडिया पर लोगों से फिल्म देखने की अपील भी की थी और इसके बावजूद कोई फायदा मिलता नहीं दिख रहा। वहीं दूसरी तरफ 12 पास काफी अच्छा ही कमाई कर रही है। फिल्म का टोटल कलेक्शन 9.79 करोड़ रुपए हो गई है। मंगलवार को फिल्म में 1.65 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया और फिल्म को लेकर दर्शकों का काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। इस फिल्म की यूपी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह ने अपने मंत्रिमंडल के साथ देखा है। हालांकि आम जनता इस फिल्म को देखने में कोई दिलचस्पी नहीं दिखा रही है। बिहार में फिल्म की शोज कैंसिल हो रही है। सुनने में आई है कि तेजस इस साल की सबसे डिजास्टर फिल्म साबित हो रही है। इसकी टोटल कलेक्शन 4.5 करोड़ की रही है। वही 12 पास टोटल 9.79 करोड़ का कलेक्शन कर लिया है और 12 पास अपनी स्टोरी लाइन की वजह से कंगना की फिल्म से बेहतर परफॉर्म कर रही है। और भी ऐसी अपडेट जानकारी के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए। तो आपको हमारा वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।